आज का हमारा टॉपिक है ब्रीदिंग एक्सरसाइज। इस प्रेजेंटेशन में ये बताया जाएगा कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज की इंडिकेशंस क्या हैं, कब कब की जा सकती है, क्यों की जा सकती है और इसके बेनिफिट्स क्या हैं। ब्रीदिंग जिसका मतलब है सांस लेना। रेस्पिरेटरी सिस्टम एक वो सिस्टम है हमारे जिस्म का जिसके ज़रिए से हम सांस ले सकते हैं और इस सिस्टम में कुछ हिस्से होते हैं जैसे कि इमेज पे आपके सामने शो हो रहे हैं। नेज़ल कैविटी जो कि नाक का हिस्सा होता है, ओरल कैविटी, जितने भी हमारे नर्सेज हैं उन्हें इन सारी टर्म्स के बारे में पता होता है। ओरल कैविटी जो ओरल एरिया मुंह का एरिया होता है, टंग, ट्रेकिया आ जाता है इसमें, प्लूरा आ जाता है, लंग्स आ जाते हैं, डायफ्राम आता है, ब्रोंकस आता है, लैरिंग्स, एपिग्लॉटिस और फेरिंग्स इंक्लूड होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम में। तो यहाँ हम बात करते हैं कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज क्यों की जाती है। बेसिकली ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हमारे जो लंग्स होते हैं, फेफड़े जिन्हें कहा जाता है, उनको बेहतर करने के लिए एक्सरसाइजेज की जाती हैं। और कुछ लोग होते हैं जैसे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जब वो जैसे कि कोई भी एक्टिविटीज़ करते हैं, लाइक अगर वो सीढ़ियाँ चढ़ते हैं या कुछ देर वॉक करते हैं, तो उससे उनका सांस जो है वो फूल जाता है। उसकी वजह क्या होती है कि फेफड़े जो होते हैं, लंग्स जो होते हैं, वो वीक हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम दोबारा से एक्सरसाइजेस स्टार्ट करते हैं ताकि उनकी डेली एक्टिविटीज़ जो हैं, एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग, वो इम्प्रूव हो सके। अब ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज जो हैं वो डिपेंड करती हैं कि पेशेंट को बेसिकली प्रॉब्लम क्या है। कुछ पेशेंट बहुत ज़्यादा ओल्ड एज होते हैं, एस्मेटिक होते हैं, COPD होती है और इसी तरह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं पेशेंट्स को। तो इस ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस के अंदर डिफरेंट स्ट्रेटजीज होती हैं। बाज़ुकात हम मेडिकेशंस यूज़ करते हैं, बाज़ुकात हम पोस्चुरल ड्रेनेज करते हैं या फिर मुख्तलिफ किस्म की एक्सरसाइज भी इंक्लूड होती हैं। सो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज कब कब की जा सकती हैं? मोस्टली मैंने पहले भी जिक्र किया, वो पेशेंट्स जो COPD के होते हैं, लाइक क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ के पेशेंट्स होते हैं, उनमें ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज की बहुत ज़रूरत होती है। और कुछ सर्जरीज या ट्रॉमा के बाद भी पेशेंट को जो है वो ब्रीदिंग एक्सरसाइज इनक्रेज की जाती हैं, लाइक डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज भी कहा जाता है, जिसकी वजह से पेन रिलीज होता है। इसके अलावा कुछ लोगों का सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब होता है, जिसकी वजह से मसल वीकनेस हो जाती है, तो ऐसे पेशेंट्स में भी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस बहुत बेनिफिशियल होती हैं। इसके अलावा ऑर्थोपेडिक एबनॉर्मेलिटीज़ लाइक स्कोलियोसिस, थोरेसिक रीजन में स्कोलियोसिस एक ऐसा प्रॉब्लम होता है जिसमें वर्टिब्रल कॉलम जो है वो स्ट्रेट नहीं रहता, कर्व हो जाता है, जिसकी वजह से लंग्स जो हैं वो कंप्रेस होना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसी सूरत में भी ब्रीदिंग एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा स्ट्रेस मैनेजमेंट या रिलैक्सेशन प्रोसीजर्स के लिए भी जो है वो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस की जा सकती हैं। मकसद क्या होता है हमारा कि हम ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस क्यों करवाते हैं? ताकि एक पेशेंट को प्रॉपर वेंटिलेशन मिल सके, उसके लंग्स जो हैं वो प्रॉपर इन्फ्लेट हो सकें, इफ़ेक्टिवनेस हो सके। बाज़ुकात पेशेंट्स जो होते हैं वो कफ़ नहीं कर पाते, खांस नहीं पाते, क्योंकि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही होती है उन्हें। तो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज जो हैं वो इंक्रीज़ करती है उनके कफ़ मैकेनिज़म को। पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशंस से प्रिवेंट करने के लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज की जा सकती हैं। इसके अलावा रिलैक्सेशन को प्रमोट करने के लिए भी की जा सकती है और पल्मोनरी सिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए भी एक्सरसाइजेज की जा सकती हैं। बीइंग अ नर्स, आपको पता होना चाहिए कि कौन सा एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा सूटेबल है पेशेंट के लिए जहाँ वो एक्सरसाइज कर सकता है। एक बंद कमरा हो जिसमें कोई प्रॉपर वेंटिलेशन ना हो तो वो एक इफ़ेक्टिव ब्रीदिंग एक्सरसाइज वहाँ नहीं हो सकती। तो इसलिए एरिया इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि जहाँ पे पेशेंट जो है वो पल्मोनरी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर सकता है। इसके अलावा बीइंग अ नर्स, आपने एक्सप्लेन करना होता है पेशेंट को
पॉस्चर क्या है, पोजीशन क्या है, राइट किस तरह से बैठना है, किस तरह से सांस लेना है, पेशेंट की पोजीशन को मॉनिटर करना होता है। उसके बाद जब पेशेंट एक्सरसाइज करता है, उसके बाद हम पेशेंट को इवेल्यूएट करते हैं कि आया ये एक्सरसाइज जो है वो पेशेंट के लिए कितनी बेनिफिशियल रही है। पेशेंट्स को बाज़ुकात समझ में नहीं आती है कि किस तरीके से करना, तो बीइंग अ नर्स डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया जाता है पेशेंट को, और फिर उन्हें मोटिवेट किया जाता है कि इस तरीके से प्रैक्टिस की जाए। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज के दौरान कुछ चीज़ों का ख्याल रखना होता है, जैसे कि पेशेंट जो है वो फोर्स ना लगाए एक्सपायरेशन के दौरान। एक्सपायरेशन मीन्स कि जब सांस बाहर निकाला जाता है तो ज़ोर ना लगाया जाए। दूसरी चीज़, ज़्यादा लंबा सांस को बाहर ना खींचा जाए। इसके अलावा एसेसरी मसल्स जो हैं वो ना पेशेंट जो है वो यूज़ करे, और इस बात का ख़ास ख्याल रखा जाए कि पेशेंट जो है वो हाइपर वेंटिलेट ना हो। हाइपर वेंटिलेट का मतलब होता है कि वो ज़्यादा सांस अपने अंदर ना खींचे। तीन तरह की ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस होती हैं। नंबर वन इज़ डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग, नंबर टू इज़ सेगमेंटल ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, एंड नंबर थ्री इज़ पर्स लिप एक्सरसाइज। इमेज में देख सकते हैं कि जब डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं तो पेशेंट का एब्डोमेन जो है वो डिस्टेंड हो रहा है। सेगमेंटल ब्रीदिंग एक्सरसाइज में बेसिकली डिफरेंट पार्ट्स जो होते हैं, लेटरल पार्ट हो गया, पोस्टीरियर मीन्स बैक साइड, मिडल पार्ट और एपिकल एक्सपेंशन मीन्स के फ्रंट वाला जो पोर्शन है वो इंक्लूडेड होता है। पर्स लिप ब्रीदिंग एक्सरसाइज में पेशेंट को इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं, जिस तरीके से हम विसल करते हैं उस तरीके से लिप्स की पोजीशन बनाई जाती है, और सांस को स्लो स्लो जो है रिलीज़ किया जाता है, एक्सपायरेशन की जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा और आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। Thank you very much.